Dear students, welcome back. So let's move on the fourth question. What is plasma display? Plasma display kya hoti hai? The plasma display is also called gas discharge display. ये जो plasma display होती है इसको हम gas discharge display भी बोलते हैं. Gas discharge display इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो picture बनती है वो gas के प्रवाह के कारण बनती है. और ये गैस का जो प्रवाह होता है वो छोटे छोटे ये जो नीचे हैं ये बल्ब्स हैं. इट कंसिस्ट अ मैट्रिक्स ऑफ टाइनी नियॉन गैस बल्ब्स. बोल रहे हैं कि इट कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब इसके अंदर समाविष्ट लगी हुई होती हैं. इट कंसिस्ट अ मैट्रिक्स मतलब एक सांचा बना होता है, कंसिस्ट करती है एक सांचे को, कंसिस्ट करती है एक सांचा लगा होता है, बना होता है. ऑफ टाइनी, टाइनी मतलब नन्हे नन्हे नियॉन गैस बल्ब्स. ये नन्हे नन्हे ये जो दिखाई दे रहे हैं सारे गैस बल्ब्स हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले बोल रहे हैं. ठीक है, दैट आर अरेंज्ड इन पिक्सल. अब हर एक पिक्सल के ऊपर यहाँ पे देखो, हर एक पिक्सल पे क्या लगा हुआ है, नियॉन गैस बल्ब लगा हुआ है हर एक पिक्सल के ऊपर. जो एलईडी थी उसमें डायोड लगी हुई थी, जो एलसीडी थी उसमें क्रिस्टल लगे हुए थे हर एक पिक्सल के ऊपर, और प्लाज्मा डिस्प्ले में हर एक पिक्सल पे क्या लगा हुआ है, नियॉन गैस बल्ब. टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए एक आउटपुट के तौर पर. ठीक है, अब प्लाज्मा डिस्प्ले में जो पिक्चर बनेगी वो किसके ऊपर बनती है, इन नियॉन गैस बल्ब्स के कारण बनती है. ठीक है, द नियॉन गैस बल्ब्स इन प्लाज्मा कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी करंट इनटू रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर्स. और कि अब ये जो नियॉन गैस बल्ब है प्लाज्मा के अंदर, ये कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब परिवर्तित करते हैं बिजली के करंट को, इलेक्ट्रिसिटी करंट को किसमें परिवर्तित करते हैं, आरजीबी कलर में. आरजीबी मतलब रेड ग्रीन और ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एलसीडी एलईडी चाहे कुछ भी है टीवी, सबके अंदर जो कलर बनते हैं वो आरजीबी कलर से सारे कलर बनते हैं. ठीक है, ये नीचे ये डायग्राम भी बनाया करो कॉपीज में. ठीक है, मैंने कॉपीज देखी तुम्हारी, चेक की हुई है इसके ऊपर ही व्हाट्सएप के ऊपर, या ये तुम लोग डायग्राम्स नहीं बना रहे हो, ये डायग्राम्स भी बनाओ साथ साथ में. ठीक है, ऐसे जैसे ये बनाया हुआ है साथ में नियॉन गैस बल्ब, चाहे ये नहीं बनाना है, ये जरूर बनाना है. ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में. सबसे पहली एडवांटेज है प्लाज्मा प्रोड्यूस बेटर पिक्चर क्वालिटी एज कम्पेयर टू सीआरटी एलसीडी एंड एलईडी. अब प्लाज्मा की जो पिक्चर को प्रोड्यूस करने की जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो बहुत ही बढ़िया है. प्रोड्यूस बेटर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, किससे, सीआरटी एलसीडी और एलईडी से. सीआरटी एलसीडी और एलईडी से इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है. वी कैन व्यू पिक्चर्स इन प्लाज्मा विद डिफरेंट एंगल्स. अब प्लाज्मा में हम पिक्चर को किसी भी एंगल से देखें ना, तो जरा सी भी उसकी क्वालिटी जो है वो खराब नहीं दिखती है, पिक्चर बिल्कुल साफ दिखती है हर एक एंगल से. इट प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टाइम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. बोल रहे हैं कि एलसीडी का जो फंक्शंस को परफॉर्म करने का जो टाइम है, वो जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है. इसके जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उनकी जो स्पीड होती है फंक्शंस की, एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है, डिसएडवांटेजेस, प्लाज्मा कंज्यूम मोर पावर देन एलईडी. बोल रहे हैं कि प्लाज्मा जो है ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है, उपभोग करती है एलईडी से ज़्यादा, एलईडी से ज़्यादा बिजली खपत करती है ये. इट कैन अफेक्ट विद हैवी नॉइस इन रूम. इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो अफेक्ट होती है अगर कमरे में ज़्यादा शोर होता है तो. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एलईडी. ये एलईडी से बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What is speaker? Speaker क्या है? A speaker is an output device. Speaker एक output device है that produce sound, जो sound produce करती है, sound निकालती है. A speaker contain, a speaker में क्या क्या लगा होता है? Speaker contain magnet, ये देखो magnet लगा हुआ है, ये magnet. Metal coil, एक इसके अंदर metal coil लगी होती है, इस तरह की बनी होती है. अगर speaker को फाड़ के देखें ना, इसके अंदर इस तरह की coil मिलेगी हमें, अंदर तांबे की बारीक बारीक तारों वाली कॉइल सी बनी होती है. अ फ्लेक्सिबल पेपर, और साथ में या आगे जो बना होता है ना, प्लास्टिक का होता है ये, कागज का होता है ये, मटेरियल मिक्स होता है वो, प्लास्टिक और कागज का मटेरियल होता है पेपर का. एक फ्लेक्सिबल मतलब
लचकदार पेपर सा बना होता है ना, एंड अ कोन, और एक कोन बना होता है, ये कोन है, ये इसको कोन बोल रहे हैं, ये जो साइड्स हैं ना तांबे की होती हैं, ये भी मेटल की, इसकी कॉपर की, दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू अ साउंड वेव, जो क्या करते हैं सारे मिलके जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उनको आवाज में परिवर्तित करते हैं. द स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन म्यूजिक सॉन्ग्स और साउंड वेव. अब स्पीकर किस काम आते हैं, द स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन म्यूजिक, गाने सुनने में, म्यूजिक गाने सुनने में या किसी साउंड वेव को सुनने में. ठीक, इसका भी डायग्राम जो है वो बना लेना है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, डिफाइन इट्स टाइप, और उसकी जो टाइप्स हैं उनको भी डिफाइन करो. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट का उपकरण है, दैट इज यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट, जो आउटपुट को प्रिंट करने के लिए ऑन टू ए पेपर, एक पेपर के ऊपर, और कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन, और कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशन होती है, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना एमएस ऑफिस एप्लीकेशन, हमने ये जो आपका प्रैक्टिकल हुआ था ना उसमें भी हमने प्रिंट आउट्स निकाले थे, है ना, किसी भी तरह की एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है, यानी कि आउटपुट लेने के लिए, हार्ड कॉपी लेने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, एक दबाव डाल के प्रिंट करने वाले, और दूसरे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, और वो होते हैं जो बिना दबाव या प्रभाव डाले हुए पेपर्स को प्रिंट करते हैं. चलिए अब एक एक करके इनकी टाइप्स को भी देख लेते हैं. सबसे पहले इंपैक्ट प्रिंटर्स, द इंपैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन ऑन टू ए पेपर. ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो करेक्टर्स को प्रिंट करते हैं, करेक्टर्स मतलब चाहे वो अल्फाबेट हैं, चाहे वो न्यूमेरिक है या कोई पिक्चर है, उन सबको भी ये कैसे प्रिंट करते हैं, बाय स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक मतलब टकरा के, अगेंस्ट द रिबन, रिबन लगा होता है ना, क्या कागज होता है उसके आगे एक रिबन लगा होता है, उसके आगे ये टकरा के पेपर के ऊपर प्रिंट करता है. अब इसकी भी कितनी है आगे, दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, करेक्टर प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स. अब सबसे पहली है करेक्टर प्रिंटर्स, द करेक्टर प्रिंटर्स प्रिंट वन करेक्टर एट ए टाइम. ये जो करेक्टर प्रिंटर होते हैं ये एक करेक्टर एट ए टाइम मतलब एक बार में एक ही करेक्टर को प्रिंट करते हैं. दीज प्रिंटर आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, इन प्रिंटर्स की दोबारा दो टाइप्स हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है डीएमपी, और दूसरे डेजी बिल प्रिंटर्स हैं. सबसे पहले चलते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की तरफ. दीज प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर्स बाय पुटिंग डॉट्स ऑन टू ए पेपर्स. अब ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ये प्रिंट करते हैं करेक्टर्स बाय पुटिंग डॉट्स, डॉट प्रिंट करके, डॉट डॉट लगा के ये पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं. द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डू नॉट गिव बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी देन डेजी व्हील प्रिंटर्स. ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं इनकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो डेजी व्हील प्रिंटर से अच्छी नहीं होती है. These printer are faster than Daisy Wheel printer. लेकिन ये जो प्रिंटर हैं ये फास्ट होते हैं Daisy Wheel printer से. चलिए अब चलते हैं Daisy Wheel printers. These printers print character by spokes. बोल रहे हैं कि ये जो printers होते हैं Daisy Wheel printers ये characters को ही print करते हैं by with spokes. Spokes मतलब एक लंबी डंडियाँ लगी होती, तिलियाँ सी बनी होती हैं. By striking against the ribbon onto a paper. ये भी इसके आगे भी एक ribbon लगा होता है, उसके ऊपर वो तिलियाँ टकराती हैं और पेपर के ऊपर करेक्टर्स को प्रिंट करती हैं. दीज प्रिंटर गिव बेटर प्रिंटर प्रिंटिंग क्वालिटी देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. आई मीन डेजी व्हील प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बहुत ही अच्छी होती है. अब चलो इनको मैं दिखा भी देता हूँ कि किस तरह के होते हैं ये देखने में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर. ये जो ऊपर आ रहा है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है, और ये डेजी व्हील प्रिंटर है, ठीक है, ये देख लो और वीडियो में भी अच्छी तरह से देख लेना किस तरह के होते हैं दिखाई देने में, और उनकी अगर वर्किंग देखनी होगी तो यूट्यूब पे भी इनकी वर्किंग को हम देख सकते हैं. अब चलिए इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं, इसकी क्या क्या गुण और अवगुण है, क्या क्या इसके लाभ और दोष है. पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ करेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स इज क्वाइट लो. अब हर एक पेज को प्रिंट करने की जो कॉस्ट होती है करेक्टर प्रिंटर की वो
बिल्कुल ही लो होती है, बहुत ही कम खर्चा आता है इसकी हर एक प्रिंटिंग कॉस्ट का। जैसे मान लो इसकी अगर प्रिंटिंग करनी होगी तो कम से कम 25 पैसे की प्रिंटिंग पड़ेगी इसकी, ठीक है। दीज प्रिंटर कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन सिंगल प्रिंटिंग यूजिंग 2 फोल्ड और 3 फोल्ड स्टेशनरी। ये प्रिंटर जो है वो प्रिंट करते हैं बहुत सारी कॉपीज जो है हम डॉक्यूमेंट की, इसमें प्रिंट कर सकते हैं एक सिंगल ही प्रिंटिंग के अंदर यूजिंग 2 फोल्ड और 3 फोल्ड स्टेशनरी। इसमें 2 फोल्ड और 3 फोल्ड की स्टेशनरी यूज होती है, इसमें 1 फोल्ड पेपर यूज नहीं होते, पेपर होते हैं, सारा का सारा पेज जो होता है वो रोल में होता है, सारे पेज आपस में जुड़े हुए होते हैं, 2 और 3 फोल्ड बोल देते हैं स्टेशनरी को आप, ठीक है। जैसे हम स्कूल में जो पेपर यूज करते हैं ना वो A4 पेपर है, सिंगल पेपर, लेकिन ये जो इसमें पेपर्स होते हैं 2 फोल्ड और 3 फोल्ड में, ये आपस में लंबी रोल की तरह जुड़े होते हैं आपस में, ठीक। दीज प्रिंटर कैन बी यूज्ड इन रफ कंडीशंस, लेकिन इन प्रिंटर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो रफ कंडीशन में किया जाता है। रफ कंडीशन मतलब मान लो हमारे पास जो है महंगा प्रिंटर नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है खरीदने के लिए अच्छा प्रिंटर के लिए, तो हम इनको रफ कंडीशन में ऐसे प्रिंटर खरीद के हम अपना काम जो है वो चला सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। दी प्रिंटिंग स्पीड ऑफ करेक्टर प्रिंटर इज लो, अब इनकी जो प्रिंटिंग की जो स्पीड है करेक्टर प्रिंटिंग प्रिंटर्स की वो लो है, कम है एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। ये जो लेजर प्रिंटर होते हैं जैसे स्कूल में रखा हुआ है ना प्रिंटर, उन प्रिंटर से इनकी जो प्रिंटिंग की जो स्पीड होती है वो बिल्कुल ही स्लो होती है। द प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ करेक्टर प्रिंटर इज लो, अब इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बिल्कुल ही लो होती है लेजर प्रिंटर से, एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर की तुलना में। दीज प्रिंटर आर वेरी नॉइसी, ये प्रिंटर जो होते हैं वे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है जब ये प्रिंटिंग करते हैं। दीज प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट कलर कॉपी, ये प्रिंटर जो है वो कलर कॉपीज को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो ये थी करेक्टर प्रिंटर्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलिए अब बात करते हैं लाइन प्रिंटर्स की। अब करेक्टर प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं ना वो बाई पुटिंग डॉट्स प्रिंट करते हैं। अब आगे जो लाइन प्रिंटर्स हैं सेम ये भी वैसे ही प्रिंट करते हैं, लेकिन ये बाई पुटिंग द लाइन, ये लाइन पुट करके प्रिंटिंग करते हैं। द लाइन प्रिंटर्स प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, जो लाइन प्रिंटर होते हैं वो लाइन प्रिंट करके प्रिंट करते हैं एक बार में। द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ दीज प्रिंटर इज मच फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बोल रहे हैं कि इनकी जो प्रिंटिंग की जो स्पीड होती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। द लाइन प्रिंटर्स हैव टू टाइप्स, लाइन प्रिंटर दो तरह के होते हैं, ट्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स। अब इसकी जो लाइन प्रिंटर्स की यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी दी हुई हैं। द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इनकी लाइन प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा प्रिंटिंग की स्पीड होती है इनकी। द प्रिंटिंग क्वालिटी इज बेटर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और इनकी जो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ही बढ़िया होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। लाइन प्रिंटर्स कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज, लाइन प्रिंटर जो है वो बहुत सारी कॉपीज जो है वो प्रिंट कर सकते हैं ऑफ ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट की इन सिंगल प्रिंटिंग, एक सिंगल प्रिंटिंग के अंदर ही यूजिंग 2 फोल्ड और 3 फोल्ड स्टेशनरी। इसमें भी 2 फोल्ड और 3 फोल्ड वाली स्टेशनरी यूज की जाती है, जैसे स्कूल में यूज करते हैं A4 पेपर वैसा पेपर नहीं होता है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि 2 और 4 फोल्डिंग में होते हैं पेपर, एक रोल में होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद आती हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लो, जो प्रिंटिंग स्पीड होती है लाइन प्रिंटर्स की वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स की तुलना में। द प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ लाइन प्रिंटर इज लो, अब इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो भी लो होती है एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर की तुलना में, कंपेयर मतलब तुलना में, ठीक है। अब चलो इनको देख लेते हैं किस तरह के दिखाई देते हैं। ये देखो ये है ड्रम प्रिंटर, इस तरह का दिखाई देता है, इस तरह के ड्रम्स चलते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, इस तरह के दिखाई देते हैं ये प्रिंटर। और ये चेन प्रिंटर्स है, दो तरह के हैं ना, ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर। अब चेन प्रिंटर में देखो, ड्रम प्रिंटर्स में ड्रम है, यहाँ पे ड्रम्स हैं, ड्रम्स यूज होते हैं इसके अंदर, और चेन प्रिंटर में देखो यहाँ पे चेन सी लगी होती है प्रिंटिंग के लिए, ये चेन प्रिंटर तभी बोल रहे हैं इनको चेन प्रिंटर, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की।
ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे इनका टाइम जा चुका है, ज्यादातर हम यूज करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट तब बोल रहे हैं कि ये बिना दबाव डाले हुए, बिना प्रभाव डाले हुए प्रिंटिंग करते हैं। द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स दैट प्रिंट कैरेक्टर्स बाई थर्मल, थर्मल मतलब गर्मी, यानी कि इनकी जो टेक्निक है या तो गर्मी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से, और इंक जेट और स्याही वाले जो टेक्निक है, इंक जेट टेक्नोलॉजीज, इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन, इनमें रिबन ही लगा होता है, या तो यह एक गर्मी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से, और इंक जेट टेक्नोलॉजी से प्रिंट करते हैं। इनमें रिबन वगैरह यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, इनके अंदर इंक यूज की जाती है। थर्मल से, ऊष्मा से, गर्मी से प्रिंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से प्रिंट करते हैं। देयर आर टू, देयर यहाँ पे करेक्ट कर लेना, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर, यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर, फर्स्ट है इंक जेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स। ये जो प्रिंटर्स है इंक जेट प्रिंटर्स, पहले इनको देखते हैं कि इंक जेट प्रिंटर किस तरह के होते हैं और कैसे ये दिखाई देते हैं। दीज प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर्स और इमेजेस बाय स्प्रेइंग पेपर विद इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक। कलर प्रिंटर जो होते हैं उनको बोल रहे हैं हम इंक जेट प्रिंटर, ठीक है ना। दीज प्रिंटर बोल रहे हैं, ये प्रिंटर जो है वो प्रिंट करते हैं करेक्टर्स, करेक्टर्स मतलब कुछ भी, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स है, चाहे वो इमेज है या इमेज, बाय स्प्रेइंग अ पेपर, पेपर के ऊपर स्प्रे करते हैं ये विद इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक, जो बिजली के साथ जो है वो इंक चार्ज होती है उसको स्प्रे करके ये कागज के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। दीज प्रिंटर गिव बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी, ये प्रिंटर जो है वो बहुत ही बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी देते हैं देन अदर प्रिंटर्स, दूसरे प्रिंटर से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी होती है इन प्रिंटर्स की, क्योंकि कलर प्रिंटिंग करते हैं ये देखो तो अच्छी क्वालिटी है। वी कैन यूज वेरियस कलर कार्ट्रिजेस फॉर मल्टी कलर प्रिंटिंग विद दीज प्रिंटर्स, हम इनके अंदर तरह तरह की कलर कार्ट्रिजेस को यूज कर सकते हैं, इनके अंदर जो कार्ट्रिज डलती है इनके अंदर, ठीक है, कलर की कार्ट्रिजेस होती हैं, जो ब्लैक एंड वाइट होता है ना लेजर जेट, उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट कार्ट्रिज डलती है, ठीक है, फॉर मल्टी कलर प्रिंटिंग। इसके अंदर हम तरह तरह की कलर कार्ट्रिजेस को यूज कर सकते हैं मल्टी कलर, यानी कि तरह तरह की कलर की प्रिंटिंग के लिए। दीज प्रिंटर आर चीपर देन लेजर प्रिंटर, लेकिन इन प्रिंटर की जो कॉस्ट होती है जो खरीदने में, ये प्रिंटर सस्ते होते हैं लेजर प्रिंटर से। अब जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करते हैं उन प्रिंटर से ये ज़्यादा सस्ते होते हैं, जबकि जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर हैं वो सस्ते होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इनकी एडवांटेज क्या है। द प्रिंटिंग क्वालिटी इज हाई देन इम्पैक्ट प्रिंटर, बोल रहे हैं कि इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो जो हमने शुरू में पढ़े ना इम्पैक्ट प्रिंटर, उनसे बढ़िया क्वालिटी होती है इनकी प्रिंटिंग की। दीज प्रिंटर आर नॉइसलेस, इन प्रिंटर्स में आवाज़ नहीं होती है, नॉइसलेस होते हैं, ठीक है। दीज प्रिंटर आर लाइट वेट, इन प्रिंटर का वजन भी ज़्यादा नहीं होता है, हल्के होते हैं ये वजन में। दीज प्रिंटर कैन प्रिंट कलर कॉपीज, ये प्रिंटर जो है वो कलर कॉपीज को भी प्रिंट कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर ही सकते हैं, कलर प्रिंटिंग के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। दीज प्रिंटर आर चीपर देन लेजर प्रिंटर, ये प्रिंटर जो है खरीदने में सस्ते होते हैं, चीपर मतलब सस्ते होते हैं देन से लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर से सस्ते होते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इंक जेट प्रिंटर डू नॉट सपोर्ट टू फोल्ड और थ्री फोल्ड स्टेशनरी, बोल रहे हैं कि इंक जेट प्रिंटर जो होते हैं वो टू फोल्ड, इसमें वो वाले पेपर्स नहीं डलते हैं जो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर डलते हैं, टू और थ्री फोल्ड वाले, इसमें A4 टाइप पेपर्स, प्लास्टिक शीट ये वो डलती है इसके अंदर, ठीक है। दी प्रिंटिंग स्पीड इज लोअर देन लेजर प्रिंटर, इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो लो होती है, लेजर प्रिंटर से लो होती है, कम होती है। पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट इज हाई देन लेजर प्रिंटर्स, अब इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो लेजर प्रिंटर से ज़्यादा होती है। अगर हम कलर कॉपीज करवाएंगे तो कलर कॉपीज हमें महंगी पड़ती है, 10 रुपये का प्रिंट पड़ता है कम से कम, लेकिन अगर हम लेजर प्रिंटर में प्रिंट करवाते हैं तो उसकी कॉपी जो है वो 2 रुपये या 5 रुपये तक पड़ती है, ठीक है, उनसे बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। इसके अंदर जो प्रिंटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और लेजर प्रिंटर में सस्ती होती है।
चलिए अब बात करते हैं लेजर प्रिंटर्स की। दीज प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर्स और इमेजेस विद हाई स्पीड एंड लेजर बीम टेक्नोलॉजी ऑन टू ए पेपर। अब ये जो लेजर्स एंड प्रिंटर होते हैं ये प्रिंट करते हैं करेक्टर और इमेज। करेक्टर मैंने बताया ही दिया, करेक्टर में कुछ भी है, टेक्स्ट, नंबर्स, अल्फाबेट्स या कोई पिक्चर है, उनको ये विद हाई स्पीड के साथ प्रिंट करते हैं एंड लेजर बीम टेक्नोलॉजी और लेजर बीम टेक्नोलॉजी के साथ प्रिंट करते हैं ये पेपर के ऊपर ऑन टू ए पेपर। दीज प्रिंटर कैन प्रिंट 4 to 20 पेजेस पर मिनट। ये प्रिंटर जो होते हैं वो 1 मिनट में 4 से 20 पेजेस तक प्रिंट कर सकते हैं। दीज प्रिंटर आर एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर्स। अब ये जो प्रिंटर होते हैं वो कलर्ड प्रिंटर जो होते हैं ना, इंकजेट प्रिंटर उनसे महंगे होते हैं। अब इनके एडवांटेजेस देख लेते हैं। द प्रिंटिंग स्पीड इज मच फास्टर एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स। अब इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू, तुलना में किससे, डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर की तुलना में। द प्रिंटिंग क्वालिटी इज बेटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स से बहुत ही बढ़िया होती है। दीज प्रिंटर्स आर नॉट नॉइजी। ये प्रिंटर्स होते हैं वो ज़्यादा शोर नहीं करते हैं, बिल्कुल स्मूथ होती है इनकी प्रिंटिंग करने की। चलिए अब शुरू करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ लेजर प्रिंटर इज हाई एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इनकी जो पर पेज को, हर एक पेज को प्रिंटिंग करने की जो कॉस्ट आती है वो ज़्यादा होती है इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में, ठीक है। लेजर प्रिंटर डू नॉट सपोर्ट 2-fold or 3-fold स्टेशनरी। अब ये जो लेजर प्रिंटर होते हैं वो 2 or 3-fold वाली स्टेशनरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। इस तरह के जो पेजेस होते हैं ना, आपस में जुड़े होते हैं, फोल्डिंग में होते हैं, उनको ये सपोर्ट नहीं करते हैं। इनके अंदर A4 पेपर डलता है, क्योंकि चाहे वो प्लास्टिक शीट में हो या फिर नॉर्मल पेपर में। थर्ड पॉइंट है, ओनली स्टैंडर्ड साइज ऑफ पेज कैन बी यूज इन दीज प्रिंटर। इनके अंदर जो स्टैंडर्ड साइज का पेज होता है वही प्रिंटर्स के अंदर यूज होता है, जैसे कि A3 है, A4 है, ठीक है। अब ये देखने में इस तरह के होते हैं, हमने स्कूल में भी इस तरह के प्रिंटर को हम यूज करते हैं ना, ये लेजर प्रिंटर स्कूल में देखा होगा आप लोगों ने, प्रिंटिंग भी करी होगी इसके अंदर। चलिए अब थर्ड पॉइंट है, थर्मल प्रिंटर्स। दीज प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर्स बाय मेल्टिंग बैक्स बेस्ड इंक ऑफ ए रिबन ऑन टू ए स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। अब ये जो प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट करते हैं करेक्टर्स बाय मेल्टिंग बैक्स बेस्ड इंक। बैक्स बेस्ड मतलब कि एक तरह की मोम की तरह जो इंक होती है उसको ये मेल्ट करते हैं, एक रिबन के ऊपर होती है वो, उसको पेपर के ऊपर, एक स्पेशल पेपर होता है हीट सेंसिटिव पेपर, जिसमें वो हीट के साथ उस पेपर के ऊपर स्प्रे करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये जो थर्मल प्रिंटर है वो थर्मल प्रिंटर इस तरह के होते हैं देखने में, ये थर्मल प्रिंटर, ठीक है, जो बैक्स बेस्ड इंक ऑफ ए रिबन, के अंदर भी एक रिबन से ही डला होता है लेकिन उसमें एक बैक स्पेस्ड इंक लगी होती है, उसको गर्म करके हीट के साथ वो पेपर के ऊपर प्रिंट करता है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। दीज प्रिंटर प्रिंट करेक्टर्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहे हैं कि ये जो प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट करते हैं करेक्टर्स को एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ बाय ब्रेकिंग अ कलर इंटू 3 basic colors। कलर को 3 भागों में डिवाइड करता है ये, सियान, मैजेंटा एंड येलो, 3 colors में डिवाइड करके ये प्रिंटिंग करता है। इस प्रिंटिंग स्पीड अप टू 20,000 लाइंस पर मिनट। अब इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है वो 20,000 लाइंस जो है वो पर मिनट में कर सकता है, इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड, ठीक है, 20,000 लाइंस पर मिनट। चलिए आज के लिए इतना ही काफी था, कल हम फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। ऑडियो जंगल।